अल्लाह के रास्ते में इतना मत सोचा करो कि आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि ये मौजों का रास्ता है। मुखलिस वो नहीं जो आपके मुंह पर आप कहो, मुखलिस वो है जो आपके गैर मौजूदगी में आप कहो। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जिसकी शक्ल इंसान वाली है उसकी मदद करते वक्त मैं सपना पूछा करो, बस मदद कर दिया करो। हमने अपने कब्रिस्तान भी यूँ अलग अलग कर दिए हैं, जैसे फरिश्ते हमारी कब्र देखकर सवाल बदलेंगे। जिंदगी में दो चीज़ें सीख लें, एक अपनों में खुश रहना और दूसरा रब के सिवा किसी पर उम्मीद न करना। हर जिंदगी का हंसता बसता इंसान जब खो जाए तो बची हुई सांसें सिर्फ गुजारा करने का हौसला देती हैं। अगरचे मुख्तसर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बिनावती चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बेहतर होता है। बर्दाश्त के कानों से सुने, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की जबान से बात करो। मुनाफिकत कुफर का वो दोगलापन है जिसमें इंसान सोचता तो दूसरों का बुरा है मगर हकीकत में वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। दुनियावी रिश्तों में शकाफ्त पड़ना तो मामूली बात है, वरना यकीन की कमी तो इंसान को खुदा से दूर कर देती है। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथियार से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से के हथियार से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोले। लोग नामहरम को फूल देना फैशन समझते हैं, जबकि अगर यही फूल घर में सबकी खिदमत करने वाली जिम्मेदारियां निभा के हलकान होती बीवी के लिए दिए जाएं तो हलाल मोहब्बत परवान चढ़ती है। दरवाज़ा छोटा ही रहने दो, अपने मकान का जो झुक कर आ जाए समझ लो वही अपना है। बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है लेकिन बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। जिनके सजदे कज़ा नहीं होते उनकी मोहब्बतें अदा हो जाती हैं।